वाइट शूज़ मुझे लगता है आज गंदे हो जाएंगे बिल्कुल। अब ये भी है, पता नहीं टैक्सी मिलती है या नहीं मिलती। हिमाचल वाले भी पूरे तेज हैं। हिंदी ना थोड़ी मेरी टाइट है, और घर जाने की तैयारी है पूरी। स्टेशन पे जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है दूसरा दिन, और दूसरे दिन में आपका स्वागत है। और हम सुबह उठ के नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए, मतलब हम नहीं मैं। तो सुबह से बारिश बहुत हो रही है, और मेरा प्लान था सुबह 6 बजे उठ के लोकेशन पे जाने का, पर मैं जब सुबह उठा तो देखा बारिश आ रही है, फिर मैं दोबारा सो गया। अब सोने के बाद फिर 7:30 उठाऊँ और फिर नहा धो के अब रेडी हो गए। अब 9 बजने वाले हैं, तो अभी भी मौसम बारिश हो रही है। दिखाता हूँ आपको, अगर दिख रहा होगा तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अब जहाँ मैंने जाना था वो यहाँ से 1 घंटा दूर है। सुबह बारिश में कैसे जाता हूँ। चेकआउट कर रहे हैं और अब सीधा बस नाश्ता करने जा रहा हूँ। पहले नाश्ता करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा। अभी रात को रूम का ऐसे इतना बढ़िया था ना, बड़ी ठंडा फुल, और सुबह उठ के देखा तो बारिश आ रही। आज मौसम अच्छा है, तभी मैंने आज ब्लैक और ग्रे पहन लिए। ब्लैक में गर्मी नहीं लग रही, कल तो वाइट में भी गर्मी लग रही थी। पर बारिश का एक नुकसान है, हर जगह पानी पानी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है बिल्कुल। और ये मेरे वाइट शूज़ मुझे लगता है आज गंदे हो जाएंगे बिल्कुल। परसों मैं इतने अच्छे से धो के लाए थे इन्हें, खुद अपने हाथों से धोए थे मैंने, और एकदम साफ करके लाया, और आज मुझे लगता है सारे गंदे हो जाएंगे। अब हम नाश्ता करेंगे यहाँ पर रेड हट फूड। मेरी पानी की बोतल ऊपर रहेगी हॉस्टल में, अब नीचे आया था खाना नाश्ता करने, अब वापस ऊपर जाना पड़ेगा। वो पानी की बोतल घर वाली है, अगर दूसरी होती फिर तुम्हें छोड़ आता, घर वाली है तो लेने जाना पड़ रहा है। और इतनी ऊपर जाना, अगर पता नहीं पड़ी भी होगी कि नहीं, देख लेता हूँ जाके। मिल गई तो मिल गई पानी की बोतल, अब फिर नीचे जाओ। हल्की हल्की बारिश दोबारा शुरू हो गई, बाकी पता नहीं वहाँ जाते जाते तेज ना हो जाएगी। कल से यही कर रहा हूँ मैं बस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कम से कम 10 चक्कर होगा। कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, फिर ऊपर जाना पड़ता है, फिर कुछ भूल जाता हूँ, फिर आना पड़ता है। 3 बार हो गया मेरे साथ ऐसा। अब तो फाइनली सारा सामान ले लिया मैंने, चेकआउट कर दिया। सो अब मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ गुहा टेम्पल। यहाँ से कम 1 घंटे का रास्ता है, एक नहीं मतलब 40 मिनट का दिखा रहा है। अब वो जाम जुम हुआ तो 1 घंटा, फिर 40 मिनट। नीचे चौक से मुझे वो टैक्सी लेनी पड़ेगी, मतलब एक राम झूला की तरफ जाती है, एक दूसरी साइड जाती है, लक्ष्मण झूला की साइड है वो, लक्ष्मण झूला से दूसरी साइड, वहाँ चौक से टैक्सी ले गए, फिर हम जाएंगे वहाँ पर। मतलब पैदल नहीं जा सकता क्योंकि 25 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर तो पैदल हो जाता है, बहुत दूर है। अब देखो कितना टाइम लगता है। अब ये भी है, पता नहीं टैक्सी मिलती है या नहीं मिलती। आ तो गया हूँ अब यहाँ, क्योंकि इस टाइम तो कोई भी नहीं खड़ा यहाँ पर चौक पर। अभी एक पुलिस वाले से पूछा है, वो कह रहे बस मिलेगी, टैक्सी तो मिलती है, अब बस में कौन रखे जाएगा। वशिष्ठ आश्रम पहुंच गया, बस से आया भाई पहली बार हिमाचल बस पे, पूरी भगाता हुआ लाया वो। मैं सोचता था हरियाणा वाले ऐसे चलाते हैं एकदम बिना देखे इधर उधर, हिमाचल वाले भी पूरे तेज हैं। लोगों की वीडियो देख देख के यहाँ पहुंच तो गए हैं, देखते हैं यहाँ क्या चीज़ है। नीचे जाके नीचे तो गंगा के पास मंदिर है, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, शायद मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि जो सुबह सुबह का यहाँ का व्यू है ना भाई, बहुत बढ़िया है। मतलब जिसकी मैंने रील देखी थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जिसे कहते हैं, क्योंकि मतलब वो सुबह सुबह एकदम रेनी सीज़न था ऐसी, तो मैं रेनी सीज़न में ही आया हूँ इसलिए। तो नीचे ना वो पूरे बादल बादल होते हैं, अब आज पता नहीं होंगे कि नहीं, अभी दिख तो कुछ रहा नहीं है यहाँ से। पर रास्ता देखो कितना अच्छा है, और ये तो बंद है यहाँ, क्या अभी कि खुला है, नहीं खुला है, खुला है। यहाँ से खोल लो, मुझे लगता है आगे से है कहीं रास्ता, ये रहा। वहाँ से इतना अच्छा वाला रास्ता था, वहाँ से मैं सीढ़ियों से नहीं उतरा, यहाँ से घूमता हूँ आ गया। किसी प्राइवेट जगह में घुस गया था मैं, पर ठीक है चलो। पर आज मौसम अच्छा है, ठीक है। वहाँ ऋषिकेश में थोड़ी गर्मी लग रही थी, यहाँ पर धूप नहीं है, मतलब वहाँ बारिश के बाद थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, वहाँ पसीने छूट रहे थे मेरे। मैंने सोचा मैंने आज ब्लैक गलत डाल लिया, क्योंकि तो गर्मी इतनी हो गई है। गुफा में तो बहुत अंधेरा था भाई, अब पता नहीं आप दिखा होगा वहाँ कि नहीं, मैंने वीडियो बनाई है। बाकी ये मंदिर के साथ का व्यू देखो, ओह बढ़िया, एकदम जबरदस्त, वेरी नाइस। टाइम लैप्स बनाऊंगा यहाँ पर, वाह यार बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मैंने एक बात बता दूँ, हिंदी ना थोड़ी मेरी टाइट है, तो आप लोग कुछ वो मत कहना ये हिंदी कैसे बोलते हैं कुछ, क्योंकि हम मुझे आती है पंजाबी ज़्यादा, तो हिंदी में थोड़ा सा हार्ट टाइट हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, आगे जाके देखता हूँ। यहाँ भी थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है अब, क्योंकि ओपन एरिया हो गया ना, जब पेड़ों के बीच था ना तब गर्मी नहीं लग रही थी, अब फुल पसीने आ रहे हैं। अब पानी के पास जाके देखते हैं कैसा लगता है, वहाँ राफ्टिंग हो रही है, वो हमने तो करनी नहीं भाई।
पहाड़ों में तो जान बसी है यार, मतलब इतना दिल लगता है ना पहाड़ों में आगे, बस पूछो मत। नाइस। तो मैं घूम चुका हूँ, कल मैं घूमा, जानकी झूला देखा मैंने, राम झूला देखा, और फिर मैं गया उसके बाद बीटल्स आश्रम, फिर उसके बाद एक भोलेनाथ भूतनाथ मंदिर था, वहां मैं जा नहीं सका, वो थोड़ा ऊपर चढ़ के था, मेरी लाते दर्द कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने हॉस्टल ढूंढा, फिर शाम को मैं फिर शाम को वहां गया था मैं, क्या नाम है, त्रिवेणी घाट, वो भी अच्छा था। वहां की आरती तो बहुत ही अच्छी थी यार, जबरदस्त। अब ये वाला मंदिर है देखो, अगर दूर से दिख रहा तो ये मंदिर है, और ये साथ का नजारा है, ऊपर रोड वहाँ ऊपर है, और ये वहां से नीचे ट्रैकिंग करके आना पड़ता है, थोड़ी सी है फिर नीचे, फिर उसके बाद आगे ये गंगा जी राफ्टिंग हो रही है, देखो राफ्टिंग वाले आ रहे हैं। राफ्टिंग नहीं मैंने करनी, राफ्टिंग ना मैं कर चुका हूँ, मैं दो तीन बार कर चुका हूँ, राफ्टिंग करने का मेरा मन नहीं है। पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाता था ना, तो वरना मैं आपको राफ्टिंग दिखाता। चलो बहुत हो गया, बस यहाँ का नजारा यहाँ कर लिया जो एंजॉय करना था, बस अब चलते हैं, अब वो पुल की तरफ चलते हैं, पुल देख के आते हैं कैसा है। बहुत अच्छा, वहाँ 360 शॉट लेंगे, ड्रोन तो है नहीं मेरे पास, 360 शॉट ही सही। यहाँ मैं काफी देर बैठा, बहुत सुकून था भाई, मजा आ गया। सोच रहा हूँ वहाँ पुल पे जाने से पहले ना यहाँ मंदिर में फोन और वो चार्ज कर लेता हूँ, अपना कैमरे की बैटरी रहेगी अब सिर्फ 30%, फोन कैमरा दोनों चार्ज कर लिए, अब जा रहा हूँ वहाँ पुल की तरफ। ये जो मंदिर था ना, मतलब गुफा, विशिष्ट गुहा, GUHA है, गुफा नहीं है, इन्होंने बहुत साल यहाँ पर तपस्या करी थी, बहुत साल, 1928 में किसी को उनका पता लगा था। ओए, फोन गिर गया, टूट गया, ये गॉगल्स भी टूट गए, ये भी टूट गया, ये गार्ड टूटा है, स्क्रीन टूटी है, देखते हैं, टूटा तो गार्ड ही है। पुल के पास पहुँच के देखूँगा क्या हुआ, कल गॉगल्स टूट गए और आज फोन गिर गया, वैसे मेरे को लगता बच गए, गार्ड वैसे मैंने डलवा रखा था, कवर भी मैंने इसलिए डाला था कि घूमने जा रहा हूँ कि टूट ना जाए, पर चलो देखते हैं। ये पुल के पास पहुँच गया मैं, ये एरिया ब्यासी में पड़ता है, ब्यासी नाम है। बैक टू ऋषिकेश, अब जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ, सिर्फ एक लक्ष्मण झूला रह गया था देखना, वो देखने जा रहा हूँ, बट वो बंद पड़ा है मैंने सुना है, कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी, बट उसके पास दो तीन कैफेज हैं बहुत अच्छे, वो देख के आऊंगा एक बारी, वो भी देख रहे हैं हम, लक्ष्मण झूला भी दोबारा देख लें। लक्ष्मण झूला ये देखो बंद कर दिया उन्होंने, मतलब अब एंट्री बिल्कुल बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी कह रही, मतलब पहले ही सबसे ज्यादा चलता था पर इन्होंने अब बंद कर दिया, अब ज्यादातर लोग जानकी झूला या राम झूला से जाते हैं। सो राइट नाउ आई एम इन तत्स कैफे, बीटल्स कैफे आज बंद था तो इसलिए यहाँ पर हम, बट यहाँ का भी व्यू और खाना इतना बढ़िया ना, जबरदस्त व्यू देखो कितना सुंदर है, खाना पीना सब कुछ, घूमना फिरना सब हो गया ख़त्म, और अब चलो घर, अब घर जाने की तैयारी है पूरी, स्टेशन पे जा रहा हूँ, खा भी मैंने बढ़िया से लिया, टाइम भी बढ़िया लिया, 5:20 पे ट्रेन है, 4:30 यही हो गया, बस पहुँच जाऊँगा, बस तो मैं अब उस पर जाऊँगा ऑटो पे, क्योंकि पैदल तो पहुँच नहीं पाऊँगा, पैदल तो 1 घंटे का रास्ता, तो 1 घंटा कौन चलेगा, तो बस ऑटो लेके फटाफट स्टेशन पहुँचता हूँ। मैं घर पहुंच के इतना थक गया था तो मैं व्लॉग एंड कर नहीं पाया, तो ऋषिकेश का व्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूं, और आई होप आपको वो व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि मैं गोवा घूम के आया हूं, अभी गोवा का व्लॉग डालूंगा, और उससे पहले एक दो व्लॉग हो रहे हैं, मतलब एडिट हो रहे हैं अभी, तो जल्दी ही व्लॉग वो डालूंगा, व्लॉग अपलोड करूंगा जल्दी ही, तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लव यू ऑल।